नमस्कार बच्चों, वोकैबुलरी में आज हम पढ़ते हैं साइक्लोन के बारे में। ठीक है, साइक्लोन को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। ठीक है, साइक्लोन अम्फान ये एक ऐसा साइक्लोन है जो अभी वेस्ट बंगाल में 2 दिन पहले आया हुआ है। ठीक है, 21 मई को आया हुआ है। ठीक है, तो साइक्लोन अम्फान जो है ना, ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा भारत, यहां पे बंगाल है, यहां बंगाल की खाड़ी है, यहां पे अरब सागर है, यहां पे हिंद महासागर है। तो यहां पे अगर कोई चक्रवात आता है, ठीक है, और वो यहां से फिर ऐसे जाता है भारत की तरफ, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लोन। अगर यही चीज सेम चीन या फिर जापान के साउथ चाइना सी में आता है तो इसे बोलते हैं वो लोग टाइफून। तो टाइफून हुआ या फिर साइक्लोन, बात एक ही है। टाइफून का मतलब भी चक्रवात होता है, साइक्लोन का मतलब भी चक्रवात होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे इसमें बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं जो आपको सीखने मिलेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, ठीक है, या फिर इसको एंटीसिपेशन। ठीक है, एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन या एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान। क्या होता है? पूर्वानुमान। हाँ बेटा, ठीक है, अब देखो क्या है, एंटीसिपेट का मतलब होता है पहले से अनुमान लगा लेना। 21 मई को भारत में ठीक है लैंडफॉल होता है, समुद्र है ये, समुद्र से लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल होता है किसका? चक्रवात का। मतलब समुद्र से जमीन पे आके पवने चलती हैं, बारिश होती है, पवने चलती हैं 170 से 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो चक्रवात का समुद्र से जमीन पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, एक्चुअली इधर, ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल मतलब जमीन पे गिरना चक्रवात का। ठीक है, बरसात, बहुत सारा पानी लेके आना। तो लैंडफॉल 21 को होता है, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है IMD जो वेदर फॉरकास्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? WEATHER, वेदर फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब होता है कि मौसम की जानकारी समय से पहले दे देना। वेदर फॉरकास्टिंग होती है ना, मौसम की न्यूज आती है, कल यहां बारिश होगी, कल यहां गर्मी की संभावना है, कल यहां बहुत ज्यादा सर्दी की संभावना है, कल यहां बर्फबारी की, तो वेदर फॉरकास्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, फॉरकास्ट का मतलब भी पूर्वानुमान लगाना है, जिसको एंटीसिपेट बोलते हैं। ठीक है, फॉरकास्ट, एंटीसिपेट। ठीक है, तो IMD ने ना हमें ये बात 18 तारीख को 19 तारीख को बता दी थी कि देखो भैया, 2-3 दिन बाद 21 मई को एक चक्रवात आने वाला है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस से उन्हें यह पता चला कि एक बहुत ही निम्न दबाव, लो प्रेशर का पॉइंट क्रिएट हुआ है सूरज की डायरेक्ट गर्मी पड़ने की वजह से, और इसने ठंडी पवनों को, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में खींचा है, जिस वजह से अब हवा बहुत तेज चल रही है। अब वो हवा पड़ रही है भारत में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ। तो क्या है, IMD ने ये एंटीसिपेट किया, पूर्वानुमान लगाया कि ये जो पवने हैं, इनकी स्पीड, इनकी तेजी की वजह से ये 21 तारीख को 3 दिन बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पे लैंडफॉल होंगी। तो आपको लैंडफॉल का मतलब समझ आ गया, एंटीसिपेट का मतलब समझ आ गया कि क्या होने वाला है, उस चीज का अनुमान लगा लेना, फॉरकास्ट का मतलब समझ आ गया। ठीक है, ओके हाँ। अब अगर IMD जो है ना, IMD एक डिपार्टमेंट होता है, इसका पूरा नाम मैं बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, इंडियन मीटियोरोलॉजी कल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट संस्था, मेटियोरोलॉजिकल, इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहां पे जो मेटियोरोलॉजी है ना, इसका मतलब होता है पृथ्वी का विज्ञान, जिसमें भूगोल और फिजिक्स भौतिक विज्ञान मिला होता है। तो पृथ्वी या वातावरण की जानकारी की जो साइंस होती है, विज्ञान, उसे मिटियोरोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि मिटियोरोलॉजी में मिटियो जो है ना, मिटियो ओरो, इसका मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब अर्थ। तो ये डिपार्टमेंट पृथ्वी,
और पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन करता है और हमें ये सब जानकारियां देता है कि अब तूफान आने वाला है, अब हवा आने वाली है, अब यहाँ तेज बारिश होगी, अब यहाँ बर्फबारी होगी, अब यहाँ सूखा होगा। तो ये सब जानकारी आईएमडी देता है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, मीटियोरोलॉजी माने आपको मैंने मर्ड बता दिया। तो इन्होंने बताया कि भाई लैंडफॉल होगा, ठीक है, साइक्लोन आएगा। और इन्होंने ये बोला कि 21 मई को जब ये साइक्लोन गिरेगा तो इट विल बी अ सीवर, ठीक है, इट विल बी अ सीवर साइक्लोन। सीवर का मतलब तेज, जो नुकसान ज्यादा से ज्यादा करे, 170 से 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लैंडफॉल होगा, जिससे नुकसान बहुत होगा, पेड़ के पेड़ उखड़ जाएंगे, इंसान तो छोड़ दो। तो बोला भाई ये तो बहुत ज्यादा बेकार चीज है, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। अब देखो, ठीक है, आपको समझ आ रही बात? देखो, एक मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक में जाके ये बात बता दूं, ठीक है, कि देखो जो भारत है ना, ये जो पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी समझ लो, तो भारत जो है ना उस पे क्या है ना, सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं लगभग, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो सूरज की सीधी किरणें पड़ने की वजह से गर्मी ज्यादा होती है, तो समुद्र में एक कभी कभी लो प्रेशर पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं। तो लो प्रेशर पॉइंट क्रिएट होने की वजह से जो ठंडी हवाएं हैं आसपास की किसी किसी पॉइंट पे, वो आके वहां पे क्या हो जाती हैं, वो आके वहां पे कंसोलिडेट हो जाती हैं। कंसोलिडेट, ये सॉलिड लिखा है, सॉलिड का मतलब गोला, इसका मतलब इकट्ठा हो जाना, तो कंसोलिडेट हो जाती हैं। तो गर्म हवा का एक प्रेशर पॉइंट बनता है जिससे चारों तरफ ठंडी हवाएं वहां पे कंसोलिडेट हो जाती हैं। कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा होना, तो कंसोलिडेट का मतलब क्या होगा, इकट्ठा होना। आपको ये बात समझ आई, कंसोलिडेट का मतलब क्या होगा, इकट्ठा होना। कंसोलिडेट माने इकट्ठा होना, एंटीसिपेट माने पूर्वानुमान, तो कंसोलिडेट वर्ड हो गया हमारा। ठीक है, अब आपको ये बात भी समझ आ गई कि भाई देखो तूफान बढ़ रहा है। आज हमारी 19 तारीख है, 18 तारीख है, 18 मई 19 मई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 4 दिन 5 दिन पहले की। अब तूफान बढ़ रहा है, ठीक है, ये जो तूफान है ये भारत की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, लैंडफॉल करेगा 2 दिन बाद, आज 19 तारीख है, ठीक है, ये लैंडफॉल करेगा 21 तारीख को, ठीक है, या 18 तारीख है 19 तारीख है। अब साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया कि ये सीवर साइक्लोन है, बहुत ज्यादा तेज है ये चक्रवात, बहुत ज्यादा तेज है, सीवर है। इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इंटेंसिटी माने तीव्रता, ठीक है, ये बहुत ज्यादा, ये साइक्लोन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइंग है, ये साइक्लोन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइंग है, बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। तो इंटेंसिटी, इंटेंसिफाइंग, सीवर, ये सब वर्ड आप ना थोड़े थोड़े देखते जाना। तो भाई बोला चलो ठीक है, अब हम क्या करें। तो ये एंटीसिपेशन में ये सारी चीजें हम लोगों को मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमें बता दी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या पता चला, एंटीसिपेशन जो पहला स्टेप था कि पूर्वानुमान जो था, वेदर फॉरकास्ट हुआ, पूर्वानुमान लगाया, भैया 2 दिन बाद हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज्यादा तेज तूफान आने वाला है। इसका मतलब यह है कि हमें एक कैलामिटी से निपटना है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कैलामिटी एक आपदा से निपटना है। आप चाहे अम्फन जो आया है साइक्लोन, इसको आप चाहे कैलामिटी कहो, चाहे कैटाक्लिज्म कहो, चाहे इसे एक डिजास्टर कहो, ठीक है, चाहे इसे एक डिजास्टर कहो, चाहे आप इसे एक मिसहैप कहो, इन सब का मतलब होता है आपदा। तो अब हमें एक कैलामिटी से, कैटाक्लिज्म से, एक डिजास्टर से, मिसहैप से निपटना है। मतलब हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचानी है, ज्यादा से ज्यादा जिंदगी, क्योंकि इतना बड़ा तूफान आएगा तो कच्चे कच्चे घर होंगे मजदूरों के, जो स्लम्स होंगे, जो झुग्गी झोपड़ियां होंगी, स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशा है। तो अब क्या किया जाए इस आपदा के लिए, अब क्या किया जाए। तो भाई डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, तो तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स बनाई गई, तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स बनाई गई,
ठीक है, क्योंकि आपदा से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, एनडीआरएफ वगैरह, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स होती हैं। अब बोला भाई प्लान बनाओ, ठीक है, अब क्या बोला भाई, प्लान बनाओ। तो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप था पूर्वानुमान एंटिसिपेशन, अब क्या है, प्रेपरेशन, प्रेपरेशन तैयारी की जाएगी। अब तैयारी में क्या है, बोला भाई सबको अनाउंस कर दो, ठीक है, ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग बिल्कुल समुद्र के किनारे कच्चे कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनके तो मकान ही गिर जाएंगे सारे, तो फिर क्या किया जाए, उन्हें कैसे बचाया जाए। तो बोला बोला गया कि जो हमारा भारत है ना, ठीक है, हमारा जो भारत है ना, बोला गया कि जो ये समुद्र के किनारे लोग हैं ना, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और इसमें इस एरिया में जो पास पास के हैं, इनको भाई इवैक्यूएट करो, इवैक्यूएट बाहर निकाल के थोड़ा अंदर लाओ भारत में, इनका कल्याण हो जाएगा। तो इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हुई। इवैक्यूएशन का मतलब लोगों को निकालो, पहले 50,000 निकाले, फिर 1 लाख निकाले, फिर 2 लाख, लेकिन तब भी लगा कि भाई गड़बड़ है। तो इस प्रोसेस को, इवैक्यूएशन को, मैंने इवैक्यूएट वर्ड आपको पढ़ाया है बेटा, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, जो वर्ड मैंने नहीं पढ़ाया मैं उनको पढ़ाऊंगा। ऑगमेंट किया गया, ऑगमेंट का मतलब काम में तेजी बढ़ाना। तो जो लोगों को बाहर निकालने की, मतलब और ज्यादा, मतलब बोला कि भाई एक काम करो, तुम सब लोगों को हम समुद्र के किनारे किनारे जो तुम्हारे घर हैं वहां से इवैक्यूएट करके शेल्टर में ले जा रहे हैं। शेल्टर का मतलब होता है शरण में, शेल्टर में ले जा रहे हैं। तो करीब 5 से 8 लाख लोगों का इवैक्यूएशन किया, इवैक्यूएशन की स्पीड को धीमे धीमे और बढ़ाया, और तेजी से बढ़ाया, और तो ऑगमेंट करने का मतलब काम की तेजी बढ़ाना, काम की दर बढ़ाना, ठीक है, ऑगमेंट का मतलब तेजी बढ़ाना। तो इवैक्यूएशन की प्रोसेस जो थी, लोगों को निकालने की प्रोसेस, उसको पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर 5 से 8 लाख लोगों को आखिरी तक निकाल लिया गया। तो धीमे धीमे ऑगमेंट किया गया इवैक्यूएशन की प्रोसेस को, और उन्हें निकाल के भेजा कहां गया, उन्हें भेजा गया शेल्टर्स में, उन्हें भेजा गया शेल्टर्स में, और कहां पे भेजा गया, रिलीफ कैंप में, रिलीफ कैंप्स में भेजा गया, ठीक है, रिलीफ कैंप्स में, ठीक है, क्योंकि ये आपदा है, अब बारिश होगी, ठीक है, अब चीजें टूटेंगी टाटेंगी, तो उन्हें भाई आदमी बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उन्हें रिलीफ कैंप में भेज दिया गया, ठीक है, ओके। अब भैया हमने प्रिपरेशन जितना हमारे बस का था कर ली, अब भगवान की मर्जी है आगे। अब होता है तीसरा स्टेप, साइक्लोन का आना, लैंडफॉल, और लैंडफॉल में ये सीवर साइक्लोन, इंटेंसिफाइंग साइक्लोन, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जो 170 से 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी विंड, जिसमें जो शताब्दी से भी ज्यादा तेज है, उससे होगा अब ह्यूज डिवास्टेशन, ह्यूज डिस्ट्रक्शन, ह्यूज डिस्ट्रक्शन, ये होगा डिवास्टेशन की स्टेज। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन, ह्यूज डिवास्टेशन होगा, ठीक है, ह्यूज डिवास्टेशन होगा इसका, जो ह्यूज डिवास्टेशन होगा, ठीक है, इसमें जो डैमेज होगा, जो डैमेज होगा, डैमेज हानि होगी, जो हानि, ठीक है, क्षतिग्रस्त होंगी चीजें, वो मैसिव होगा। मैसिव का मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे मैसिव डैमेज होगा। क्या होगा बेटा, मैसिव डैमेज होगा, ठीक है, ओके, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, ह्यूज डिस्ट्रक्शन होगा, डिवास्टेशन होगा। अब देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ये है हमारा भारत, ठीक है, प्यारा भारत एक्चुअली। अब देखो यहां से पवने आई, अब ये लोग क्या करेंगे कि समुद्र के किनारे जो जमीन है, ठीक है, ये उसमें रिब्ड थ्रो करेंगी, रिब्ड थ्रो, या फिर रेवेज करेंगी, ठीक है, समझ आ रहा, रिब्ड थ्रो या रेवेज या रिन, रिब थ्रो, रेवेज, रिन, मतलब तीन टाम जो छत पे पता कुछ रखा हुआ है सब उड़ जाएगा, इधर तेज साइक्लोन्स आते हैं, पेड़ के पेड़ गिर जाएंगे, पोल जो है लाइट के वो गिरते चले जाएंगे, और हवा ऐसे चल रही है पेड़ उखड़ के उड़ जाएंगे हवा में, ठीक है, घरों के टप पर उड़ जाएंगे, तो इसे बोलते हैं रिप थ्रो, एकदम निकल जाना सामने से सन ऐसे,
ठीक है, शताब्दी के किनारे आप जब खड़े होगे, जब कभी शताब्दी निकलती है तो रिप थ्रो होता है वो स्टेशन से, जू, ठीक है, ऐसे। रेवेज का मतलब सब खंडहर बना देना, रुइन का मतलब सब कुछ बर्बाद कर देना, गाड़ियां बाड़ियां, ठीक है, पेड़ के पेड़ गिरे हुए हैं, खंबे गिर गए, सारे लाइट की लाइनें जो है बेकार हो गई, ठीक है, तो इसको रिप थ्रो, रेवेज या फिर रुइन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये लैंडफॉल हुआ है, ये जो लैंडफॉल हुआ है साइक्लोन का, ठीक है, ये जो लैंडफॉल हुआ है साइक्लोन का, इसमें बेसिकली साइक्लोन का जो एग्रेशन है, साइक्लोन का जो एग्रेशन है, गुस्सा है साइक्लोन का, ठीक है, गुस्सा बोलते हैं लोगों, एग्रेशन के लिए गुस्सा बोलते हैं, एगिटेशन है या जो फ्यूरी है साइक्लोन की, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्रेशन मतलब साइक्लोन की तीव्रता, साइक्लोन सीवर है, साइक्लोन तीव्र है, तो सीवर के लिए फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो जाना। अभी साइक्लोन क्या है, अपनी तीव्रता दिखाएगा, ठीक है, एगिटेशन, एकदम, समझ रहे हो ना, साइक्लोन का मतलब एकदम बहुत ज्यादा एग्रेशन होना, बहुत ज्यादा तेजी से कोई चीज आना। तो अब ये क्या होगा कि जैसे ही साइक्लोन बहुत ज्यादा तेजी से आएगा, वो रिप थ्रो, रेवेज या फिर रुइन करता चला जाएगा चीजों को, और रिजल्ट में हमें मिलेगा ह्यूज डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन, या माने मैसिव डैमेज। तो साइक्लोन पहले लैंडफॉल होगा और तेजी बढ़ेगी साइक्लोन की जैसे ही जमीन पे आएगा, और ज्यादा तेजी बढ़ेगी, फ्यूरी, एगिटेशन, एग्रेशन दिखाएगा वो अपना सीवर साइक्लोन, फिर वो रिप थ्रो सीधा चला जाएगा जू, ठीक है, रेवेज रुइन करेगा, और रिजल्ट में क्या छोड़ जाएगा, मैसिव डैमेज, ह्यूज डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है, मतलब चीजों को रैकअप करता जाएगा, रैकअप, सॉरी रैक डाउन, मतलब भड़बड़ाते हुए दीवाल होगी कोई तो भड़बड़ाते गिर जाएगी, घर गिर जाएगा, शैटर कर जाएगा चीजों को, चीजें इधर उधर बिखरी मिलेंगी, ठीक है, ये सब कर जाएगा साइक्लोन, और क्या कर जाएगा, मैसिव डैमेज, ह्यूज डिस्ट्रक्शन या फिर डिवास्टेशन। तो भैया लैंडफॉल हो चुका है और ये सब नुकसान हमें हो चुका है, लेकिन क्या है, हमने 7-8 लोगों को बाहर निकाला, तो मृत्यु की संभावना जो है लोगों की बहुत कम हो गई, मृत्यु की संभावना बहुत कम हो गई, ठीक है। हालांकि साइक्लोन ने प्लंडरिंग कर दी, ठीक है, साइक्लोन रेंसेक कर गया एवरी चीज, हर चीज हमें कैसी मिलेगी, प्लंडर्ड, प्लंडर्ड का मतलब यह है कि बिखरी हुई, ठीक है, टूटे हुए वो सब लाइट वाइट वगैरह के जो है वो हैं, हर चीज हमें रेंसेक्ड मिलेगी, इधर उधर टूट फूट, टूटी खंडहर, एक्चुअली खंडहर, खंडहर, ठीक है, हर सब चीजों को खंडहर बना देगा, रुइंड कर देगा, रुइंड, रुइंड चीजें मिलेंगी, खंडहर मिलेगा सब कुछ, ठीक है, सेटर्ड, हर चीज सेटर्ड मिलेगी, ठीक है। साइक्लोन चला गया है, अपना नुकसान कर गया है, अब साइक्लोन क्योंकि धीमे धीमे कम होते होते क्या होगा, अब साइक्लोन मिटिगेट हो जाएगा, मिटिगेट का मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे दर्द होता है हमें, तो हमें बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइंग पेन होता है, हम दवाई खाते हैं तो दवाई से हमारा दर्द कम हो जाता है, तो दर्द कम करने के लिए मिटिगेट कहते हैं। जब लैंडफॉल हुआ था साइक्लोन का तो तेज था, इंटेंसिफाइंग था, धीमे 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 कम होता जाएगा, माने मिटिगेट होता जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास रोडों पे पोल है, पेड़ टूटे पड़े हैं, घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकला, बहुत ज्यादा डिवास्टेशन निकला, ह्यूज डिवास्टेशन, मैसिव डैमेज निकला, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, ममता दीदी की। अब ममता दीदी जो है, अब ममता दीदी जो है वो दो चीजों की डिमांड करती है, ममता दीदी अब दो चीजों की डिमांड करती है, एक तो रिलीफ पैकेज, ठीक है, रिलीफ पैकेज कि भाई कुछ पैसा दो केंद्र सरकार से, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, कुछ पैसा दो, इतने लोगों को हम कैसे संभालेंगे। तो फिर मोदी साहब आते हैं और वो AERIAL एरियल सर्वे करते हैं, एरियल सर्वे करके वो नुकसान की जानकारी लेते हैं कि भाई कितना नुकसान हुआ, प्लेन में मोदी साहब मास्क लगाए हुए आराम से प्लेन के से देख रहे थे, तो एरियल सर्वे, ठीक है, एरिया का सर्वे करते हैं, कहां से, प्लेन से, ठीक है, एरिया का सर्वे, एक कि भाई क्या कितना क्या नुकसान हुआ है, और फिर अनाउंस करके जाते हैं 1000 करोड़ का रिलीफ पैकेज, ठीक है।
ओके तो ये रिलीफ पैकेज है, रिलीफ देने के लिए लोगों को। रिलीफ देखो, आप पेन रिलीफ खाते हो ना, सिर दर्द होता है तो सिर दर्द होता है तो रिलीफ, पेन रिलीफ खाते हो ठीक है, उससे आपको आराम मिलता है, तो आराम के लिए जो पैकेज के भाई, अब जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी हमें ना, तो रिलीफ पैकेज मिलेगा फिर ठीक है। ओके दूसरी चीज, ममता दीदी दूसरी चीज क्या डिमांड करती हैं, ममता सी, ममता बनर्जी सीक्स, ऐसा लिखा है सीक्स आर्मीज हेल्प। तो ये एक वर्ड होता है सीक, सीक का मतलब आप देखोगे तो हिंदी में लिखा होगा खोजना ठीक है, बेसिकली इसका मतलब खोजना या ढूंढना नहीं होता, सीक का मतलब ये होता है कि अब क्योंकि साइक्लोन आ चुका है तो पैसे की जरूरत है और आर्मी की, तो ममता दीदी को रिलीफ पैकेज के लिए नरेंद्र मोदी ठीक है, दो चीजों के लिए उन्होंने, एक नरेंद्र मोदी के रिलीफ पैकेज के लिए बोला, एक बोला भाई आर्मी की मदद चाहिए हमें ठीक है, तो आई एम सीकिंग ठीक है आर्मी इज हेल्प। अब जैसे मान लो कुछ हो जाए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आई एम सीकिंग पुलिस, तो मतलब पुलिस को कॉल कर रहा हूं, ऐसे खोज नहीं रहा हूं कहां हो पुलिस वाला, तो किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो आप SEE के सीक वर्ड लगाते हो, तो ममता दीदी सीक्स आर्मीज हेल्प, तो ममता दीदी ने आर्मी की हेल्प की, मदद की गुहार लगाई है, आर्मी की हेल्प के लिए बोला सरकार को ठीक है, तो ममता दीदी सीक्स आर्मीज हेल्प ठीक है, रिलीफ पैकेज हो गया ओके। तो अब आर्मी जो है ना, अब देखो पहले चीजों को हमने क्या किया, एंटीसिपेट, पूर्वानुमान लगाया, एंटीसिपेट करने के बाद हमने क्या किया, इंपैक्ट देखा, जब एंटीसिपेट का मतलब पूर्वानुमान, पूर्वानुमान ठीक है पूर्वानुमान, उसके बाद हमने इवैक्यूएशन किया, इवैक्यूएशन को हमने टाइम टू टाइम ऑगमेंट किया, ऑगमेंट किया तेज किया, इवैक्यूएशन के बाद लैंडफॉल होता है साइक्लोन का, साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद मास डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि ये कैलामिटी है ठीक है, मास डिस्ट्रक्शन के बाद ठीक है, मास डिस्ट्रक्शन जब हो जाता है ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इंपैक्ट, जब लैंडफॉल हो जाता है तो अब हम देखते हैं मास डिस्ट्रक्शन, लैंडफॉल होगा और मास डिस्ट्रक्शन होगा, जैसे ही साइक्लोन जमीन पे आएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उसके बाद हम देखेंगे प्रभाव कितना पड़ा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी देखने आए थे ना साइक्लोन का इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, कितना डैमेज किया है चीजों को, फिर वो पैकेज देंगे 1,000 करोड़ रुपए का ठीक है, और साथ में आर्मी मदद करेगी अब ठीक है, आर्मीज हेल्प होगी किस चीज के लिए, कि जो लोग हमने इवैक्यूएट किए थे, इवैक्यूएशन ठीक है, इसमें कोई LA हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, इवैक्यूएशन थोड़ा जल्दी जल्दी में हो सकता है, तो अब आर्मी क्या करेगी, रीस्टोर कराएगी चीजों को, रीस्टोर, तो रीस्टोरेशन प्लान बनेगा आप ठीक है, अब रीस्टोरेशन का काम चलेगा, रीस्टोर दोबारा से चीजों को सही करना, जैसे पोल हैं बिजली के, तो बिजली में आदमी कितने दिन नहीं रहेगा, तो बिजली का काम करवाएगा, पेड़ वगैरह हटवाएंगे, फिर धीमे धीमे लोग जो इवैक्यूएट हुए थे, जो लोगों को हमने निकाला था कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी साइक्लोन को अपना प्रभाव छोड़ देने दो, उसके बाद अब वो वापस आना शुरू होंगे ना, अब वो वापस आना अपने घर आना शुरू होंगे, देखेंगे कितना नुकसान हुआ, तो उसे बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, उसे बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। कश्मीरी पंडित जो है ना, उनको फोर्सफुली निकाला गया था ठीक है, देवर ठीक है एग्जास्परेटेड फ्रॉम कश्मीर वैली ठीक है, तो गुस्से से निकाल देना किसी को ठीक है, एग्जास्परेट बोलते हैं, तो अब उनका रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है कि उन्हें वापस कश्मीर भेजो, तो जिन लोगों को निकाल दिया जाए उन्हें एवैक्यूएट कहते हैं, और दोबारा भेजो तो उसे रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, रिहैबिलिटेट ठीक है, रिहैबिलिटेट, तो अब इन लोगों का क्या होगा, रिहैबिलिटेशन होगा ठीक है, तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, आई थिंक पूरी प्रोसेस समझ में आ गई ठीक है, रिस्टोरेशन होगा, रिहैबिलिटेशन होगा, ममता जी की भी आपको बात समझ आ गई, ममता जी सीक्स रिलीफ पैकेज, ममता जी सीक्स आर्मीज हेल्प, दो चीजों की उन्हें जरूरत है ओके। और फिर आखिरी में आपको क्या न्यूज मिलेगी, द सीवर साइक्लोन
क्लेम्ड, क्लेम आएगा ठीक है, 72 लाइव्स, 72 लोगों की फिर भी जान चली गई। तो जिन लोगों की डेथ होती है उनके लिए क्लेम वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी है, इसको पढ़ने से सीखते हैं। सीवर माने तेज और तीव्र साइक्लोन ने क्लेम किया 72 लाइफ का। यहां पे सीवर की जगह पे लिख देंगे द मॉन्स्टरस, मॉन्स्टरस का मतलब राक्षस रूपी साइक्लोन। तो ये अंग्रेजी है, इसमें आर्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं। हिंदी में नहीं बोलते भाई साहब क्या डांस किया आपने, मतलब आग लगा दी, तो इसका मतलब आग लगा दी क्या, ठीक है, आग नहीं लगाई ना, तो वही चीज है, अलग अलग डिफरेंसेस हैं। द मॉन्स्टरस साइक्लोन क्लेम्ड 72 लाइव्स, 72 लोगों की जिंदगी चली गई, बहुत ज्यादा दुखद खबर है ये। या फिर ऐसे आएगा कि द टोटल कैलामिटीज, कैलामिटी, सॉरी कैलामिटी नहीं है ये, कैजुअलिटी, ठीक है, टोटल कैजुअलिटी, कैजुअलिटी होता है या फिर कैजुअलिटीज, तो टोटल कैजुअलिटीज कितनी है, 72। तो कैजुअलिटी का मतलब इस आपदा में, या फिर जैसे कोई बस एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते हैं कि 8 लोगों की डेथ हुई, तो टोटल कैजुअलिटी वाज 72, या फिर द एक्सीडेंट क्लेम्ड 72 लाइव्स। तो जब कोई दुर्घटना होती है, आपदा होती है, तो उसमें लोगों की जो डेथ होती है उसको दो तरीके से बताता है, इट क्लेम या फिर द टोटल कैजुअलिटीज, ठीक है, कहीं टेररिस्ट के साथ भिड़ंत हो जाए तो कितने लोगों की डेथ हुई है, तो कैजुअलिटीज, कहीं बम गिर जाए, कहीं प्लेन गिर जाए, ठीक है, पाकिस्तान में अभी ऐसा हुआ है, तो आखिरी में भाई देखो लोगों की डेथ ही हुई है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं वोकैबुलरी के, कुछ अच्छे वर्ड लाएंगे, ये अभी डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, कुछ खुशी वाले वर्ड लाते हैं। थैंक यू।